जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। मम्मी उनकी मिसेस वापस आ जाएं, वो आ जाएंगे। भाई मुझे उनके आने जाने से गरज नहीं है, मैं तो बाज मर्दों की अकल पे हैरान होती हूँ, किस तरह थोड़ी देर में घुटने टेक देते हैं। आपको कभी अफसोस नहीं हुआ मामा से शादी करके? ये वक्त घर आने का, और वो भी घर मर्दों के साथ। कहाँ से आ रही हो और कौन लोग थे? ये फिक्र अपने साथ ले जाने के लिए कि मेरी बेटी घर उजड़ने के बाद अपनी जिंदगी क्यों कर गुजारेगी। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। अल्लाह मरहूम को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। वसीम साहब आप थके हुए होंगे, आराम करें, फिर मिलते हैं। आइए मम्मी चाय भिजवा दीजिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, थैंक यू। सर आपका उनसे सामना हुआ? लेकिन सामना होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? और बच्चों से मुलाकात हुई? हुई। बात की आपने? सर माइंड ना कीजिएगा, लेकिन जब वो आपके मामले में इतने इनडिफरेंट हो चुके हैं तो आपने उनसे बात कैसे कर ली? मजबूरी है। पहली बात तो ये कि वो औलाद है मेरी, और दूसरी बात ये कि कतई ताल्लुक ही ताल्लुक रखने से ज्यादा तकलीफ देह मन होता है। गनीमत जानिए कि हमारी औलाद हमें किसी काम का तो समझती है ना। आप तो मुझे अपनी जैसे नजर आते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज। हम सब बूढ़े एक जैसे होते हैं धन्याल साहब। दादा कहीं नहीं गए। सॉरी पापा, आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं बेटा, सो तो नहीं रहा था। अब तो वैसे भी नींद बहुत कम आती है मुझे, और अब तुम्हारे फोन की बात तो मैं सो ही ना सकूं शायद। क्यों पापा, आप मुझे डिसलॉयल समझते होंगे ना? नहीं मेरी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। सच पापा? बिल्कुल सच। कभी मैंने तुमसे झूठ बोला? थैंक यू पापा। पापा जी उस दिन आप नाना के इंतकाल पे कितने कमजोर लग रहे थे। हाँ बेटा, बस नाना बड़े थे, बूढ़े थे, कमजोर थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो हमारी ढारस थे।
बड़ों की बड़ी रहमतें होती हैं ना, कोई भी मसला हो जाना तो हम सब उनके पास पहुंच जाते थे, उस सारे मसलों का हल निकाल लेते थे। बेटा उनके जाने पर रंज होना तो एक फितरी बात है, इंसान ना कमजोर तो महसूस करता है ना। फिर पापा जी आपके सारे काम कौन करता है? कपड़े धोना, इस्त्री करना, सफाई वगैरह? सारे काम मैं खुद ही करता हूँ मेरा बच्चा। और पापा खाना खाना कौन पकाता है आपके लिए? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। किसका फोन है, किससे बात कर रही हूँ? वो मामा। अगर जरा सी शर्म और माँ से हमदर्दी होती ना तो उस शख्स से बात करने के बजाय पलट कर मुंह तक ना देखती इसका। और कभी जरा सोचना कि क्या किया है उसने हमारे साथ और क्या कर रही हूं मैं तुम्हारे लिए। सॉरी अदनान भाई, मेरे को मैडम के साथ ना भेजना। क्यों भाई? मैडम को देखें और मेरे को देखें। क्यों, क्या हो गया? ईमान से लास्ट टाइम इतना जलील हुआ था आपको बता नहीं सकता। होटल का कमरा बुक करवाने गया तो काउंटर वाली लेडी कभी मुझे देखें कभी मैडम को देखें। जब ही मैं बोला टू सेपरेट रूम तो लेडी बोली आई कैन अंडरस्टैंड। देख ले मैडम। मैं हूँ पापा, लकी। जी मेरा बेटा, बोलो। जल्दी में आप पापा? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी मामा घर पे है। वो पापा आउट ऑफ कंट्री। देखो बेटा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मसला समझने की कोशिश करना। तुम्हारी माँ घर पे है या घर पे नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से उसके एतमाद को धचका पहुँचे। अगर वो नहीं पसंद करती है कि मैं तुम लोगों से बात करूँ या तुम लोग मुझसे बात करो तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट। पापा आप नहीं चाहते मैं आपको फोन करूं? नहीं मेरा बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तुम लोगों की आवाज सुनने के लिए तरसता रहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ की इजाजत के बगैर मुझसे बात करो। हाँ अगर तुम तीनों को कहीं मेरी रहनुमाई की जरूरत है तो पापा की जान भी हाजिर है। ओके पापा। और हाँ, ये कभी भी मत सोचना, योर पापा लव्स यू। ओके, खुदा हाफिज। कल फिर रवानगी है। क्या, कहाँ? दिलावर के साथ जोहान्सबर्ग। बॉस वो आपकी मिस डॉरथी भी ऐसी है? डॉरथी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने यार, ये बहुत आगे की चीज है। सोने का अंडा देने वाली बत्तख है ये। Thank you.
आ जाओ खुर्रम। सर, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है? और मुझे भी ऐसी आदत है कि ऑफिस से सीधा आपकी तरफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे यह मालूम होता ना कि जो कमरा मैं किराए पे लेने जा रहा हूँ वो तुम्हारे घर का कमरा है तो शायद मैं यहाँ कभी ना आता। क्यों सर? अरे भाई, उस्ताद को शागिर्द के सामने हमेशा सरबुलंद रहना चाहिए। तुम्हारे मेरे दरमियान एक हद फाजिल है। मैं जिस हाल में हूँ वो तुमने देख लिया है। हिजाब टूटा तो ऐसा टूटा कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे अलावा और कोई मेरे दिल की बात नहीं समझ सकता। सर, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। अच्छा, शक्कर सवा चम्मच। सफर कैसा रहा मैडम? एज यूजुअल अदनान, टायरिंग। कल फिर रवानगी है? क्या, कहाँ? तिलावर के साथ जोहान्सबर्ग। फॉर गॉड्स सेक, अभी एयरपोर्ट से घर पहुंची नहीं हूं और तुम? थक गई हूं मैं इस मुसलसल सफर से। 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना-महीना मैं अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख सकती। मैडम, अपने काम में तो ऐसा ही है। कोल्ड ऊपर जा रहा है, डायमंड की डिमांड है, जाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी अदनान। कत्ल करके आप फिर सिरी पाए या फिर बोटियां बना दें, लेकिन कल जाना तो पड़ेगा मैडम। ठीक, भी फिर सोने दो मुझे। अरे अरे मैडम, वो माल? अदनान, इट्स ऑल सेफ, ओके? ओके।
सिर्फ इस एक ब्रेसलेट की कीमत बता सकते हो जान? आप बताएं बॉस। इसे एक कैरेट वाले दाने की कीमत है 1.5 से 2 लाख पाउंड। और ऐसे कितने ही डायमंड्स जड़ी हुई ज्वेलरी मौजूद है उस ब्रीफकेस में। बॉस, वो आपकी मिस डॉरथी भी ऐसी थी? डॉरथी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने यार, ये बहुत आगे की चीज है। सोने का अंडा देने वाली बत्तख है ये। तो फिर एक साथ सारे अंडे निकालने की गलती नहीं की जा सकती, कोई खुड़ला बनाए इस बत्तख के लिए बॉस। हमने अब तो तुम्हारी बहन पहचान ही नहीं जाती भाई। क्यों, सुरखाब के पर निकल आए क्या उसके? उसके अपने जो पर निकल आए और वो भी बहुत बड़े बड़े, धमाका करेगी धमाका। और भी गम है जमाने में सफीना के सिवा। ये तुम्हारा लाडला का होता है आजकल, घर में तो कम ही नजर आता। मुझसे ज्यादा तो वो आपका लाडला है। एक बात बताऊं तुम्हें आमना, यासर से आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही तो नहीं माल और औलाद को जिंदगी का फितना कहा गया? औलाद की मोहब्बत में आंखों पर पट्टी नहीं बांध लेनी चाहिए, आपको उसे वक्त देना चाहिए ताकि उसे ये एहसास रहे कि उसका बाप उससे गाफिल नहीं है। स्टुपिड तैफी, मुझे किसी और वजह से डर लगता है यार। मुझे डर लगता है मामा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा, सईद अंकल होंगे ना एयरपोर्ट पर। कब से काम कर रही है आप नासिर साहब के साथ? आपको खबर होनी चाहिए। मुझे आपसे ऐसे जवाब की तवक्को थी। एनीवे, मैं पूछ सकता हूँ कि नासिर साहब से क्या डील है आपकी? अरे यार लकी, हमारे तो मजे हो गए सीरियसली। चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स, कभी मामा ले आती हैं, कभी अदनान भाई और कभी नासिर अंकल। PS3, Xbox, what not यार। तुम देखना, एक दिन मामा सारी दुनिया घुमाएंगी और हम इधर ही बैठे रहेंगे। मुझे तो डर लगता है तैफी। अरे यार इतनी बड़ी हो गई हो अभी भी डरती हो? अलती को देखो, तुमसे ज्यादा बहादुर है। स्टुपिड तैफी, मुझे किसी और वजह से डर लगता है यार। मुझे डर लगता है मामा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा, सईद अंकल होंगे ना एयरपोर्ट पर।
लगती है मेरे ये फ्रेंच फ्राइज बना दो। हाँ ठीक है बना दूंगी, अभी तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। मैडम सफीना घबराइए मत, मेरा नाम फिरासत है जी, लोग मुझे प्यार से मिठू भाई कहते हैं। आई सी। मैं बैठ सकता हूँ? आप जी श्योर प्लीज। थैंक यू। आपका जिक्र मैंने सुना है लेकिन आप मुझे किस तरह से जानते हैं? हमारे काम में बखबर रहना बहुत जरूरी है। बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं नासर साहब, इस सिलसिले में हमारे काम में बेखबरी मौत होती है। तो नासर साहब से मुलाकात है आपकी? मुलाकात इकट्ठे काम करते रहे हम, लेकिन अब तो मैडम सबीना बिजनेस में यही कुछ होता है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। बड़ी स्ट्रगल की है नासिर साहब, मैं जीरो से हीरो बनने तक बड़ी इज्जत करता हूँ। एनीवे हमें अपनी बात करनी चाहिए जी। मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था, नाते जाते आमना सामना नहीं हुआ, फ्लाइट में हमने एक साथ सफ़र भी किया बस बात नहीं हो सकी। कब से काम कर रही है आप नासिर साहब के साथ? आपको खबर होनी चाहिए। मुझे आपसे ऐसी जवाब की तो थी। एनीवे मैं पूछ सकता हूँ कि नासिर साहब से क्या डील है आपकी? मैं बिजनेस सीक्रेट्स ओपन नहीं किया करती। मुतमैन है आप उनके साथ? इसीलिए तो काम कर रही। अगर कोई बेहतर ऑफर मिले, मेरा मतलब है नासिर साहब से बेहतर ऑफर मिले तो? डिपेंड्स। हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? इस तरह की ऑफर का जवाब फौरी तौर पे नहीं दिया जा सकता। राइट, टेक योर टाइम। देखिए मैं नए लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। और फिर अगर आप जैसे एक्सपीरियंस लोग साथ शामिल हो जाए तो अनलिमिटेड मौके हैं मैडम, अनलिमिटेड। मैंने आपको कहा है ना कि मैं सोच कर इस बारे में जवाब दूंगी। मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। जी मिठू साहब इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू। आप? अरे मैडम अदनान को तो जानती हैं आप, वो दो जमा दो की बजाय 22 बनाने के चक्कर में रहता है, इसीलिए मुझे स्टैंड बाय रखता है। अमाउंट काफी बड़ा था सो अदनान मेरी जान ने जल्दी से टिकट करवाई, ब्रीफ केस पकड़ाया, मुझे प्लेन में चढ़ाने। अच्छा इसीलिए मैं आपको अचानक यहाँ देख के हैरान हो गई थी। अदनान मियां का ये ख्याल है कि इस पूरे सेटअप में मुझसे बेहतर कोई करियर नहीं है। ये तो ठीक कहता है। अरे वाह आप भी हमनवा बन गए उसकी। अच्छा वैसे अदनान बहुत वफादार है आपका। मिठू भाई को देखा था मैंने रेस्टोरेंट पे, मिठू भाई को तो जानती होंगी ना? जी मैंने
जिक्र सुना था उनका और मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि क्या कह रहा था। कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। वो अपने साथ काम करने के लिए ऑफर कर रहे थे। आपने क्या कहा? कुछ कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। बस मैंने डाल दिया। डालना तो आपको खूब आता है। जी कैसे डाला? वो बस जान ही नहीं छोड़ रहा था तो मैंने कह दिया कि मैं सोच कर बताऊंगी। तो मुझे भी सोच कर बताएंगे? जी सफीर, आई लव यू, आई वांट टू मैरी। वासी साहब, अब आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। देखिए ना, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने तो मुझे तलाक देते वक्त तुम लोगों का भी ख्याल नहीं किया। अब क्या मैं सारी जिंदगी इसी सदमे के साथ गुजारूं? मैं जिंदा लाश बनकर जीना नहीं चाहती। वासिफ साहब, अब आप ही अपने शागिर्द को समझाइए, इससे कहें हाँ कर दे। देखे ना, बाप रिटायर हो चुके हैं और मेरी रिटायरमेंट में भी कोई खास मुद्दत नहीं बाकी रहती। ये हाँ कर दे तो हम दोनों अपने इस फरीजे से सुबकदोश हो जाएं। सर, अब आप मम्मी की बातों में ना आ जाइएगा, ये तो मेरी जॉब के बाद से इसी तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे बेटा, वक्त पर शादी के बहुत फायदे होते हैं। मसलन ये कि अभी मेरे हाथों में दम है, मैं तुम्हारे बच्चे संभाल सकती हूँ। बस बहुत हो गई नाना, अब मैं कोई अपनी मर्जी की लड़की पसंद करके तुम्हारी बात पक्की करने लगी हूँ। इतनी जल्दी क्या है मम्मी? है ना भाई जल्दी। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे किसी ट्रेन के निकल जाने का खतरा हो। अरे बेटा, तो ये जिंदगी एक ट्रेन ही है ना, जरा से लेट हुए ट्रेन गई। जी जी बिल्कुल, ये तो है। सर, अब आप भी मम्मी और बाबा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। भाई फायदा तो इसी में है। वासिफ साहब, अब आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। देखिए ना, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। अरे भी अकेले भी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इतनी मजेदार नहीं गुजरती जितनी बेगम साहब से चाय की फरमाइश में गुजरती है। ऐसे कहे ना कि आपका टी लेवल कम हो रहा है। तो फिर चाय बुलवा दीजिए और साथ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो सुभान अल्लाह। What? आप शादी तो नहीं कर सकती? क्यों? बस मैं घर का खर्च अकेले नहीं उठा सकती। पापा ने मनी ऑर्डर भेजा जो था। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? क्योंकि लड़कियों को बड़ों के बीच बोलना नहीं चाहिए। तो क्या आप चुप रही नाना जान और आमना खाला के सामने? अब तुम दोनों मुझे क्रिटिसाइज करोगे। देखिए, मैं जॉब कर लूंगा, आप शादी ना करें। जॉब कर लो। कैसे जॉब कर लोगे तुम? इंटर तक तो किया नहीं है अभी तुमने। और कितने की जॉब करोगे? 5,000 की, 10,000 की? मैं भी कर लूंगी जॉब मामा। ये जो खाना अभी यहाँ पर हम खा रहे हैं, इसका बिल कितना बनेगा अंदाजा है तुम्हें? और ये जो जीन्स तुमने पहन रखी है, या ये जो रिस्ट वॉच है तुम्हारी जो तुम्हें नासिर अंकल ने ला के दिए, इसकी कीमत का पता है तुम्हें? जॉब करेंगे, बाहर निकल के देखो, मामूली सी मुलाजमत हासिल करने के लिए जूते चटकाने पड़ते हैं।
तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने तो मुझे तलाक देते वक्त तुम लोगों का भी ख्याल नहीं किया। अब क्या मैं सारी जिंदगी इसी सदमे के साथ गुजारूं? मैं जिंदा लाश बनकर जीना नहीं चाहती और तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत है और सहारा वही दे सकता है जो खुद मजबूत हो। ऐसे में बहुत ताकत होती है, सारी परेशानियां खत्म, मसाइल हल और लोगों की जुबानें बंद करवा देता है। नासिर साहब का स्टेटस तुम लोगों को आगे बढ़ने में मदद देगा और मैं ये फैसला तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही कर रही हूं। मैं तुम्हारे बाप को ये दिखा दूंगी कि हम उसके बगैर बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ना करें इतना बड़ा फैसला हम लोगों की खातिर, हम खुद ही कुछ कर लेंगे मिलजुल के। मिलजुल कर कुछ नहीं होगा, असल ताकत पैसा है और पैसे में इतनी ताकत होती है कि तुम दोनों ने तो कभी मुझसे यह भी नहीं पूछा कि माँ का वॉलेट नोटों से भरा कैसे रहने लगा है और हम आए दिन इतनी शानदार जगहों पे लंच और डिनर कैसे करने लगे, कभी पूछा तुमने मुझसे? नासिर साहब के स्टेटस का तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। खैर तो है? हाँ हाँ, लगती तो नहीं है। क्यों क्यों नहीं लगती? जब आदमी दिन दिन भर घर से गायब रहे, मम्मी पूछे तो बहाने बनाए, बेड पे लेटे तो छत को देखते कि खुद ही मुस्कुराए, तो समझो कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ तो कब की हो चुकी है? हो, दैट्स ग्रेट जिया, दैट इज वंडरफुल नेहा, आई एम इन लव। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लव मुझे हुआ है, खुश तू हो रही है, क्यों? यार मोहब्बत तो किसी को भी हो खुशी ही देती है, तो तू क्यों नहीं देती मुझे ये खुशी? तू क्यों नहीं कर लेती किसी से मोहब्बत? नहीं जिया, मोहब्बत की नहीं जाती, ये तो बस हो जाती है। एनीवे, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूं। He is your perfect match, yeah. मुझे तो डर लग रहा है तैफी, मामा ये क्या कर रही हैं? उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है कि मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। हाँ, और मेरी फ्रेंड्स खुद, मैंने तो अभी तक अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बताया कि मामा की डिवोर्स हो गई है। अरे यार, ऐसी बातें किसी को बताने वाली होती हैं? पता नहीं पापा कैसे होंगे। सारी गलती उन्हीं की है। उनकी क्या गलती है? अरे भाई, दुबई में अपनी जॉब कंटिन्यू रखते, हम सब भी वहां चले जाते। मामा ने जो इधर उधर जाना शुरू कर दिया था। मामा की दूसरी शादी से तो बेहतर था ना। तैफी बेवकूफ, मामा की दूसरी शादी की नौबत इसीलिए आई, ना वो ये सब करती और ना पापा उन्हें डिवोर्स देते। Thank you.
हो गए हैं? अरे अभी शादी की क्या जरूरत है, कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसा मेरा। अक्सर कुछ उल्टे सीधे लोग हमें प्राइवेट फंक्शंस के लिए बुलाया करते थे, मम्मी मना करते थी। हो सकता है उन्हीं में से शायद कोई हो। नामालूम अफराद की नौजवान गुलकाराओं पर अंधाधुंध फायरिंग, एक हलाक। तो वासिफ सही, मैं तो कहता हूँ अब शादी कर लो। देखो ना, हम मर्दों को गुलशन का कारोबार चलाने के लिए ना इन औरतों का सहारा लेना पड़ता है। सही, आखिर कब तक ये अपने कपड़े खुद धोते रहोगे हैं? अरे अभी शादी की क्या जरूरत है, कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसा मेरा। क्यों सही? अरे बच्चे जवान हैं, अब बच्चों की शादी का वक्त है, मैं अपनी रचा बैठूं। अरे बाबा, हमने तो बहुत सारे जवान पोते पोतियों और नवासे वाले बुड्ढों को सिरा बांधते देखा है। आप तो अभी माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत भी हो। ट्रिंकुलाई से देखे सुलाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है? नहीं। तुमने कुछ खाया? दिल्ली नहीं जाता। मम्मी को सोने दो, हम बाहर चल के बात करते हैं। किस्सा क्या था, कौन लोग थे? समझ में तो सिर्फ यही आता है कि अक्सर कुछ उल्टे सीधे लोग हमें प्राइवेट फंक्शंस के लिए बुलाया करते थे, मम्मी मना करते थी। हो सकता है उन्हीं में से शायद कोई हो। बहरहाल जो लोग भी थे, सालिम और बुजदिल, औरत को कौन इस तरह मारता है यार कोई? देखो देखो तुम्हें संभालना है खुद को, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारी मम्मी को कौन देखेगा? हाँ सब सब कैसे चलेगा ऐसे? आमना, आमना, मैं ना कहता था।